सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको उसका परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है। आज का पंचांग 9 जुलाई 2024 दिन मंगलवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि सुबह 6:09 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र सुबह 7:52 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:52 से 5:32 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर सुबह 7:52 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। धनु राशि 9 जुलाई 2024 दिन मंगलवार, आज के दिन अलग अलग तरह के विचारों और दुनिया भर के नए पैदा हो रहे अवसरों के चलते थोड़ा सा उलझाने वाला रहेगा। विभिन्न शक्तियाँ आपको अपनी तरफ खींचेगी। अधिक सोचने और हर किसी को खुश करने की कोशिश ना करें। इसके स्थान पर अपने मन की ही सुनें, आपके लिए सर्वोत्तम होगा, भले ही आपको इस समय यह सही ना लग रहा हो। दिन की शुरुआत में ही अपने दिनचर्या की रूपरेखा बना लें, इससे आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। घर में नजदीकी रिश्तेदारों के आगमन से आपसी मेलजोल तथा विचारों का आदान प्रदान दिनचर्या में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। पैसों से जुड़ी परेशानी दूर करना आपके लिए संभव हो सकता है। जरूरत से अधिक पैसा खर्च करने से चिंता होगा। आप जिन बातों पर पैसा खर्च कर रहे हैं उनसे संबंधित आनंद प्राप्त हो सकता है। अपनी जीवन शैली को सुधारना होगा। आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने की कोशिश करें। बड़े आर्थिक व्यवहार करते समय नई बातों की जानकारी हासिल करें। अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित नई बातों को सीखने की कोशिश करें। प्रगति आसानी से मिल सकती है जो बड़े अवसर दिलाएगी। पार्टनर के साथ वक्त बिताने से उत्साहित महसूस होगा। पेट से जुड़ी परेशानी दूर करने के लिए शरीर को डिटॉक्स करने की जरूरत होगी। आपको संतान के स्वास्थ्य की चिंता भी सताएगी। आप अपने बिजनेस के कामों को लेकर कुछ सोच विचार करेंगे और आपको भाग्य का पूरा साथ भी मिलेगा। राजनीति में हाथ आजमा सकते हैं। लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति भी हो सकती है। विद्यार्थियों को आज कुछ नया सीखने की कोशिश में लगे रहेंगे, जिस कारण आप किसी कोर्स में भी दाखिला ले सकते हैं। आपको अपनी सहयोगियों से कामों को पूरा करने में काफी मदद भी मिलेगी। सावधानियां, दोपहर बाद कोई चिंताजनक स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से किसी नजदीकी संबंधी के साथ कहा सुनी होना भी संभव है। इस समय शांत बने रहना ही उचित है। उत्तेजना से समस्या और अधिक बढ़ सकती है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप ऐसे साथी से मिल सकते हैं जिसका आप सपना देख रही थी। यह व्यक्ति आपकी ही तरह दिलचस्प और साहसिक होगा। आप कुछ समय से इस तरह के व्यक्ति से मिलने की कोशिश कर रहे थे। प्रेम की चिंगारी आप में रहेगी और आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे। उस व्यक्ति को धीरे से अपनी प्रेम रूपी भावनाएं व्यक्त करना ना भूलें। बात करते हैं करियर की। अवसाद और कठिनाइयां आज आपके कार्यस्थल पर आने के संकेत दे रही है। हालांकि अगर आपने अपने पिछले अनुभव से कुछ सीख ली है तो आप काफी आसानी से उनका सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। अपने अतीत से ज्ञान लेना समय की आवश्यकता है। इस चीज का सही समय पर इस्तेमाल आपके करियर को काफी गति दे सकता है। आपको अपने निर्णय जल्दी लेने होंगे ताकि वह प्रभावी रह सके। व्यवसायिक गतिविधियों को बेहतर बनाने में कुछ खास लोगों का सहयोग मिलेगा। साथ ही फोन कॉल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना भी मिलेगी। इस समय मार्केटिंग संबंधित कार्यों को स्थगित रखें। किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है।
बात करते हैं सेहत की। हर रोज की एक्सरसाइज और सलाद खा खा कर आप परेशान हो चुके हैं। आप अपना पसंदीदा खाना खा कर खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। यह देखना ना भूलें कि अगली सुबह आपको कैसा अनुभव होगा। इसका कड़वा अनुभव आपको अगली बार तैली खाना खाने के लालच से बचने में काफ़ी मदद करेगा। आपको अपनी शारीरिक एक्सरसाइज को बहुत सारे लोगों के सामने प्रस्तुत करने का मौका भी मिल सकता है। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।